विगत दिनों से कुछ तथाकथित पाकिस्तान के और भारत के न्यूज यूट्यूब चैनल लगातार सीमा सचिन मीना और स्वयं मेरे बारे में गलत गलत भद्दी भद्दी असंसदीय अमर्यादित गैर कानूनी भाषाओं डेरोगेटरी वर्ड्स अबसीन्स ल्यूड कमेंट्स लगातार अपने यूट्यूब चैनल्स के द्वारा चला रहे हैं, जिससे सनातन धर्म पर गालियां दी जा रही, सनातन धर्म को गलत बताया जा रहा है, सनातन धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है उसको बदनाम किया जा रहा है, जिसके द्वारा ऐसी भावनाएं भड़काकर हिंदू मुस्लिम राइट्स या इस तरह के दंगे की भावना को बढ़ाया जा रहा है और चुनाव के समय ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जा रहा है। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को लिखित में याचिका लगाई है और उन ऐसे सारे तथाकथित यूट्यूब चैनल्स को डिटेल दी है कि इस तरह से लगातार और कंटेंट उनके दिए हैं, लगातार गलत वकालत के पेशे को बदनाम किया जा रहा है, झूठा बोला जा रहा है, सीमा सचिन मीना की जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, सीधे बोला जाता है डर जाएगी, डरा दो, मतलब उसे ऐसा किया जा रहा है, उसके बच्चों के बारे में बोला जा रहा है, उसके परिवार के बारे में बोला जा रहा है, लगातार ये साजिश रच रही है। इसके लिए हमने ये जो कार्रवाई की है इसके आधार पर सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है और इस पर शीघ्र ऐसे तमाम तथाकथित जो YouTube चैनल हैं जिन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए विगत दो महीने में जो साजिश रची गई है उनके खिलाफ सबके कंटेंट्स इकट्ठे करके और उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई होगी, उन्हें दंड दिया जाएगा और उनके खिलाफ इस तरह से आगे भविष्य में भी कोई ऐसा न कर सके ऐसी नसीहत दी जाएगी जिससे कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति किसी तरह से भी कोई खराब होने की नौबत नहीं आने देंगे, किसी तरह से सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने देंगे। ये लोग चाहते हैं अपनी सस्ती लोकप्रियता की भावना को लेकर इस तरह से अपने पैसे कमाने का साधन किसी को बदनाम करने, किसी को ऐसा कर देने के लिए कि कोई आत्महत्या के लिए ऐसा ऐसा बोला जाता है। सीमा सचिन रो पड़ते हैं, बच्चे रो पड़ते हैं, मुझे दुख होता है, क्या क्या भद्दी भद्दी भाषा भद्दी भद्दी लोग, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए, एक बच्चों के लिए, उसका दोष यह है कि भारत में है, उसका दोष यह है कि वो सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है, इसका दोष इसलिए है वो भारत माता की जय करती है, हिन्दुस्तान जिंदाबाद करती है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलती है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।